की सूचना में 3 और 4 मार्च का कबड्डी महाकुंभ है गाँव धनाना जिला भिवानी में। एक पंचायत में 2 खिलाड़ी बार खेल सकते हैं। पहला इनाम 1 लाख, दूसरा 61,000, तीसरा 41,000, 5 से 8 11,000, 9 से 16 5,500 और बेस्ट रेटर कैचर को 32,000 दिए जाएंगे। वह गाँव धनाना जिला भिवानी। आप सभी दर्शकों खिलाड़ी साथ आमंत्रित, धन्यवाद। और आने वाली 4 मार्च को आपके नजदीकी गांव बोध कला में बहुत ही बड़ा खेल होगा। पहला नाम के 3,000, दूसरा 41, तीसरा 21,000 रुपए, 5,500 रुपए जमान जमा दिया जाएगा। आओ भाई, रेड टू रेड आपको बिल्कुल हर एक खिलाड़ी की जानकारी दी जाएगी। भाई मैच रोक दो, 1 मिनट रोके भाई। एक्स्ट्रा खिलाड़ी भाई बैठ जाए, देखो दर्शक आपके पीछे हैं और दर्शक हमारे लिए भगवान बराबर है भाई। इन्हीं के कारण खेल कराए जाते हैं इन लोगों के मनोरंजन के लिए भाई। भाई कोई भी भाई खड़ा ना रहे ग्राउंड के अंदर भाई। खेल कमेटी बताए, देखिए एक एक राउंड तो पहुंचे, मैच की हो चुकी है। मोखरा उनका चल कर रही है सिद्धिपुर की टीम पर। हाँ भाई, क्या खेला है भाई, कौन कौन सा एक बार ये बता दो, किस किस की आईडी मंगवानी है। वो मतलब एक बार का कौन सा अमन है। चलिए भाई देखिए, बहुत तगड़ी कैच, बिल्कुल रेफरी का फैसला पॉइंट कैचर को दिया गया है। बिल्कुल भाई सुनिए, रिनु आपका आगे नहीं मांगना फौजी साहब। हाँ दीपी साहब, भाई सुनो, तो आपका काम मांग रहा है कि मैं दिन मांग लिया है। एक बार रिनू देखा सर, मैच चलता रहेगा, मैच नहीं रुकेगा रिनू के लिए। और फिर रेड में है रवि मोखरा, रवि मोखरा आगे रेड पर। और देखिए भाई, इस बार जीतू के द्वारा का चपरिया, क्या बात है जीतू। सिद्धिपुर गोवा ने पिछले मैच में लजवाओं जैसी ताकतवर टीम को घर भेज दिया भाई। आज मोखरा से पड़ा पड़ गया है सेमीफाइनल में, इस मैच में कुछ भी हो सकता है। फिर रेड पर भोला कनोरी, जिला रेवाड़ी के कनोरी गांव का बेटा भाई, जिस गांव के थे आदिर कनोरी की बात होते हैं, नरेश कनोरी की बात होते हैं, बबलू कनोरी की बात होते, आज पंचायत सेक्रेटरी के पद पर खेल होते थे, उसी गांव का खिलाड़ी है भोला। पंजाब से रूपा वेटर जीत के लिया भाई आपके क्षेत्र का ये लड़का। एक बार ताली मार दो भोला कनोरी के लिए। बेस्ट रेडर कैचर को रूपा वेटर थी, मोटरसाइकिल था, बड़े बड़े नाम पंजाब से जीते भोला कनोरी ने। आशीष सांगवान और यहाँ पुरुष है कमदार रेडर है भाई आशीष। आज दूसरा सीजन है इस खिलाड़ी का और पूरे प्रदेश में नाम रोशन कर दिया गांव सागवान का। अजय श्रीवाजा जिंदा गया भाई रेड पर। और देखिए दोनों खिलाड़ी आज चोट में है, चाहे भोला कनोरी की बात हो या अजय श्रीवाजा की बात हो। और सामने है भाई ललित ग्रावण, मोहित उर्फकरा, साहिल और विक्की। और ये अभय ललित ग्रावण आज दो खिलाड़ी की चोट में कैप्टन के रूप में है। और ये देखिए भाई अजय शिवा को एक बार फिर शानदार कैच लगा दी राहुल मोखरा के रेड पर। राहुल मोखरा, राहुल भाई प्यार से छोटा रोहित कहते हैं ना, क्योंकि रोहित मोखरा मित्र भाई युवा पार्षद रोहित साहू भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। बिल्कुल भाई, पहले ही प्रयास में आपके गांव का नाम रोशन कर दिया हमारे छोटे भाई मोहित साहू ने। आपके वार्ड से जिला पार्षद है, युवा शक्ति, युवा सोच, एक बार जोरदार तालियां भाई मोहित साहू के लिए। बार बार स्वागत है भाई हजारों दर्शकों खिलाड़ियों की तरफ से भाई मोहित साहू। बिल्कुल फिर रेड पर भाई भोला कनोरी। हाँ जी, आगे रेड पर भोला कनोरी, बहुत ही शांत भाव और बहुत शानदार रेडर है भाई आज छूट में। देखिए सिद्धिपुर की तरफ से बहुत ही शानदार रेड प्रदर्शन थे भाई। अजय कनोरी की बात हो, बबलू कनोरी पंचायत सेक्रेटरी की बात हो, वैशी खिलाड़ी के गांव से बहुत ही शानदार सर्कल कबड्डी के महान खिलाड़ी रहे थे। अजय कनोरी की बात हो, बबलू कनोरी और पोहरा कनोरी आज सिद्धिपुर टीम का हिस्सा है। आशीष हरियाणा पुलिस डबल टच पॉइंट, एक बार फिर रेडर के खाते में चला जाएगा। अजय शिवा चला रेडर पर और देखते हैं भाई कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। कई महीना लगता है, पूरा उत्तर मना अर्थ सूरज का फरियाग है,
जैसे मुखी मर जाओ के गौ आंख न चला करे और सोचो तर न होता कुछ तर भरी मरिया करे सोचो तर न होता कुछ तर भरी मरिया करे अगर सिवा सफल रेड पॉइंट रेडर के खाते में क्या गया भाई रवि मोखरा बेचारा लग गए कोने पार लेकर जाओ हथियार का आदास है और आपका खुलता पानी पीवा वो कर्जेदार का आदास है अपने घर की पूंजी बढ़ता वो साहूकार का आदास है और बखत पड़े तो सर दे दे वो सत्ता यार का आदास है तो तेगी जो आंख बदल जाए वो धक्के खाता फिरा गया मारे जाना मरता दुश्मन लोग को शान करे तो मरा गया रवि की सफल बिल्कुल भाई और शानदार रंग जोड़ दिया मोखरा ने रवि ने और खेलों की कड़ी में एक जानकारी है भाई 4 मार्च को कीर्ति चक्र विजेता शहीद दीपक शर्मा की याद में लगातार खेल मेला होते हैं गांव बीच धाम जिला सोनीपत में 4 मार्च का खेल मेला है पंचायत में 2 खिलाड़ी के 70,000 लाख यहाँ दूसरा 33,000 तीसरा और बेस्ट रेट कैचर को 11,000 से सम्मान किया जाएगा आप सभी दर्शक और खिलाड़ी साथ रहा ठीक 10 बजे पहुंचे 4 मार्च 2023 गांव बीच धाम 2 खिलाड़ी के धन्यवाद और ये भाई एक बार फिर बहुत अच्छा डिसीजन भाई बलजीत बिट्टू जी का पॉइंट रेडर के खाते में जाएगा डबल टच पॉइंट मिला आशीष हरियाणा प्रदेश को और आया रेड पर अजय शिवा बिल्कुल भाई अजय शिवा की फिर रेड है और 3 मार्च को बहुत बड़ा खेल मिला है बड़ा मामे जगवीर राठी जी की याद में पहला इनाम 61,000 दूसरा 41,000 तीसरा 21,000 5 से 8 क्या नाम 100 900 16 3100 बेस्ट 21,000 और देखिए भैया जैसी वाह जोर का झटका पॉइंट गति खेड़ी के खाते में आज दो की छूट में दोनों रेटर लिए हैं भैया जैसी वाह और भोला कन हो काबिले तारे खेल छोटा रोहित यानी कि राहुल मोखरा फिर आ गए भाई और सामने दीपू प्रदीप और जीतू की जोड़ी है भाई बिल्कुल दीपू उल्टी गलती का स्टार है भाई पिछले मैच में भी कई उल्टी गलती लगाई इस खिलाड़ी ने लेकिन रोहित को नहीं पकड़ पाए और फिर आ गया भोला कन हो फिर रेड में बड़ा कम हो रही है और भाई उस मैच का जो व्यू देखने गए हमारे कृष्ण डीपी जी वो जो रेफरी ने दिया था सेम पाया है भाई वो पॉइंट यानी के मोखरा टीम पहले और कैचर का है हाँ जी हाँ कैचर का पॉइंट रहा वो और देखिए भाई बोला सफल रहे फिर आ गया रेड पे आशीष हरियाणा पुलिस और भाई इस मैच के तुरंत 10 मिनट के बाद हमारा फाइनल मुकाबला होगा जो टीम जीतेगी उसको 10 मिनट का समय दिया जाएगा अजय भाई बड़े सम्मान की बात है भारत पाकिस्तान के मैच हो रहे तो उस टाइम की मौजूदा उदय साहब की सरकार ने पूरी टीम को हरियाणा पुलिस में भर्ती किया उसी टीम का हिस्सा थे हमारे भाई संदीप पाटिल और उसी पुलिस का हिस्सा हमारे भाई आशीष सांगवान ये भी भाई हरियाणा पुलिस का एक शानदार खिलाड़ी है उस टाइम पर हरियाणा पुलिस की टीम बहुत तगड़ी होती थी भाई आज सर्कल कबड्डी बिल्कुल घर घर तक पहुंच गई भाई पंजाब में भी खेल रहे होते हैं तो हर आदमी अपने मोबाइल से अपने एलईडी में लगा के मैच देखता है और बहुत बड़े बड़े मैच होते हैं और जो जो कल के खेल मेले में गुरु जी ने भी बहुत सौंपा की बात अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए कई कल से सिल्वर की बात हो बुढ़िया शिशर की बात हो कमाल कर दिया कल दूसरा कबड्डी कप में जिला भिवानी हर साल शहीद विजय हजार की याद में जो खेल मेला करवाया जाता है पूरे गांव के सहयोग से उस गांव का खिलाड़ी है भाई आशीष सागवान और एक बार फिर डबल टच पॉइंट रेडर के खाते में चला जाएगा यानी के मोखरा टीम के खाते में चला जाएगा चलिए भाई रेड लगाए आगे रेड पर अजय शिवा खेल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए 2100 रुपए की धनराशि अपनी नेक कमाई से देते हैं दिल की गहराइयों से भाई का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं बिल्कुल भाई
खेल बड़ा 4 मार्च को बहुत बड़ा बहुत बड़ा 71,000 रुपए पहला इनाम, दूसरा 41,000, 3,000 सभी टीमें साधना मंत्री था। 4 मार्च को गांव बहुत गला गला तरक्की दादरी में राहुल की सफल रेट पॉइंट मोखरा के खाते में एक और पॉइंट बोरा आगे बढ़ गए। आने वाली 4 और 5 मार्च को रानीला में जय बाबा थोटनाथ खेल कमेटी दुना के ऊपर नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता, पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 71,000, तीसरा इनाम 31,000, चौथा इनाम 21,000 रुपए ऑल प्रो स्टार आएंगे भाई। उपेंद्र वकील स्टेज पर पहुंच जाओ भाई, कमेटी इंतजार कर रही है। भाई फिर ये खिलाड़ी आपस में बहस अजय भाई दो दो रेफरी लगा रखे हैं, योगेंद्र भाई साहब ऐसा रेफरी का डिसीजन आगे और सर्वमान्य होगा भाई। खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें। बस बस चलिए भाई चलिए भाई, न्यू लेना तो न्यू ले सकते, कोई नहीं लेकिन मैच ना रोके। कृष्ण डीपी जी एक न्यू देखते हो, कोई नहीं आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आप भी न्यू लेना जब भी आप देखा हो कोई नहीं। बहुत आफरी साहिबान से अनुरोध है थोड़ा नजदीक रहे आप डिसीजन दे अपना, हर खिलाड़ी से अनुरोध है प्लीज ऑफिसर का मान सम्मान करें, खेल परिवार है और सभी के सहयोग से खेल परिवार बढ़ता है। प्लीज भाई कोई भी धक्का मुक्की ना करे, किसी पर प्रेशर ना बने, आपका रेफरी का काम पॉइंट देने का है, रेफरी का काम खिलाड़ी का काम अपील करने का, अपील कर सकते हैं। अजय सिंह भाई ये देखिए भाई ललित गिरावड़ पंजाबी में क्या है, ढाके हिक पे बैठ गया भाई, मतलब छाती में बैठ गया भाई, तगड़ी कैच लगाई है ललित गिरावड़ ने। अजय सिंह को एक और कैच पॉइंट बोखरा को और भाई रवि फिर रेड पे है, बिल्कुल शानदार तगड़ी गेंद का ठीक है, अच्छा शरीर कमाया भाई ने, बहुत तगड़ी मेहनत की सीजन में और बोखरा टीम ने इस सीजन में कई पोजिशन लगाई है, उन पोजिशनों में योगदान की बात होते, रोज की बात होते, नवदीप की बात होते, विकी की बात होते, रवि की बात होते, मिंटो की बात हो, सारे खिलाड़ी पूरी टीम बहुत जबरदस्त है, नए खिलाड़ी में साहिल की बात हो, राहुल की बात हो, सारी जबरदस्त टीम बन गया है। ये देखे भाई बोला कनौरी साहिल मोखरा से एक और पॉइंट लेते हुए पॉइंट गति खेली लो हमारे इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल प्रगति का है भाई, देखिए अच्छा प्रयास कैप्चर का, लेकिन अंक मोखरा टीम के खाते में आशीष सांगवान जिला भिवानी का ये खिलाड़ी है, मोखरा के अंक है भाई 19 और गति खेली गई है 11, 4 कैच से फिलहाल मोखरा आगे चल रही है, 4 कैच 8 पॉइंट, यानी गति खेली टीम अगर 4 कैच लगाती है तो मैच सिद्दीपुर अगर 4 कैच और लगाती है तो मोखरा के बराबर हो जाएगी भाई। गति खेली का पिछला मैच था तो मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सफल आयोजन के लिए, हमारी पूरी युवा कमेटी ज्यादा घुसाएगी, जो हमारी युवा टीम है वह सारे 25-25 साल के होते हैं, बहुत मेहनती साथी है और उनके माता पिता वाले जो अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार दिए, दादा गुसाई के नाम पे लगातार 10 मार्केट मिला और ये पॉइंट कैप्चर का दिया गया है भाई, जो रिव्यू देख के आए हमारे डीपी साहब बार बार धन्यवाद, यानी मोखरा पॉइंट वो है जैसा दिया। किसी खिलाड़ी से बार बार बताया जा रहा है कोई मन मुटाव नहीं है, न रानीला गांव की अभी फिलहाल कोई टीम है न को खिलाड़ी है, ये पैसा इस कमेटी ने, इस गांव ने, इन समाज सेवियों ने इन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए लगाया, आप निष्पक्ष होकर अपना खेल दिखाएं, खेल भावना से अपने सीनियर और बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरी युवा टीम हमारी खेल करवाती है और उसी टीम का हिस्सा है हमारे भाई अजय गुरुवासी जी, हमारे मंच में है और हमारे युवा जिला पार्षद भाई मोहित साहू भी आते हैं, बार बार धन्यवाद है, बिल्कुल हमारी युवा टीम का अहम हिस्सा है भाई अजय द्वार और भाई मोहित साहू, मंच की शान है फिलहाल इस खेल मेले का, बिल्कुल फाइनल मैच भी देख के जाएंगे हमारी कमेटी से की तरफ से, अनुरोध है दोनों भाइयों से
आशीष सांगवानी के साथ रहे अंक मोखरा के खाते में फिर आ गया अजय शिवा। अजय शिवा खिलाड़ी रूप में और देखिए लगभग 4 मैच का अंतर है। हाफ टाइम का जो स्कोर है 11-19 का और देखिए कौन करेगा प्रयास है। मोहित रुस्तारा, विक्की, साहिल मोखरा, ललित खिलाड़ एक बार फिर वो काम करके मोखरा टीम के लिए एक रेड एक कत्थर लेके खेल रही है टीम। सीधी फाइनल पे नजर है यानी 51,33,82,11,11,22 1,06,000 का फाइनल होगा। अगला जो मैच होगा आज देखते हैं कौन बनेगा लखपति। और मोखरा ने भाई सुल्तान को रेड दे रखा है फाइनल के लिए। हाँ बिल्कुल रेड बोर्ड है मोखरा के पास 4-5 रेड है। दर्शक साथियों अगर आल ओवर प्रदर्शन देखा जाए सिटीपुर टीम ने इस सीजन में चेतना की बात हो चाहे भगवतपुर की बात हो चाहे मिर्जापुर की बात हो बड़ी बड़ी टीम आई है। ताली मारते सिटीपुर टीम के लिए भाई। एक बार फिर बोरी सफल रहे नव दर्शक साथियों और फिर आया एक बार आशीष हरियाणा पुलिस का जवाब और देखिए भाई कैच की दरकार है टीम को। अगर कैच लगाओगे तो आप फाइनल तक भी जा सकते हो लेकिन प्रदीप सिद्धिपुरिया का प्रयास लेकिन हम आशीष को भाई लाइट वाले साथी एक बार लाइट चेक कर ले भाई फाइनल मैच के लिए लाइट पड़ेगी क्योंकि अंधेरा तुरंत होने वाला है। बिल्कुल देखिए गुरु जी आज मैं पूरा टाइम दिया गया पूरा दौर दिखाओ 15-5-15 ये मैच करवाए और मैचों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है सभी टीमों का। जतिन 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 सिद्धिपुरिया जतिन सिद्धिपुरिया और ये भाई साहिल मोखरा स्टार कैचर में बताओ दोनों नई प्रतिभा टकरा गई है भाई। जतिन को कैच लगा दी है पॉइंट साहिल मोखरा के खाते में। और बादल सब मैच में बताओ टूर्नामेंट में इस बार दादा को साइन कमेटी के लिए हर सरकारी तालियां भाई दो दो तालियां भाई। देखिए भाई युवा कमेटी पूरा राम राम आपके साथ है आपका प्रयास बिल्कुल सफल रहा इस खेल में। और रवि मोखरा फिर आए क्या बात है अच्छा प्रयास बहुत अच्छी कोशिश कैच की बिल्कुल बराबर की टक्कर है रवि मोखरा आए क्या बात है तकड़े फटे ऐसे मीटर में अभी दिल्ली है और पॉइंट मिलेगा सिद्धिपुर टीम को। अरे इतनी जगह एक जगह सागर वास्ते पार जाना चाहिए सारे दौर लागे जगह ला दो बहुत खुशाई मारो बिल्कुल भाई कमाल कर दिया दोनों टीमों ने। अजय शिवा को कैच की कोशिश ललित गिरावर की अंक सिद्धिपुर के खाते में फिर रह गए आशीष सांगवान। आशीष हरियाणा पुलिस तलाब शाम का समय हो चुका भाई एक बार आई तो होते कर ले बराबर संध्या समय और थोड़ा वो भी पंप चल है संध्या समय पवन मंद हो जाए दरखत भी कम हल है फिर मैं पक्षी उड़ा बधेरा ना कसर उड़ा ना डाल है अंडे बच्चे रहे आ रहे वो संध्या समय संभाल है जीव और जंतु पशु पक्षी रुन तब तेरे ना बचेरा न्यू छोड़ती थी फूल शेख में तुम कर पंगा बढ़ेरा। और देखिए टाइम आउट है भाई मोखरा टीम की तरफ से। बिल्कुल भाई टाइम आउट है इस मैच के तुरंत बाद टीम का भाई जल्दी खेड़ी को देंगे संजीत बोलो सरपंच रानीला मनोज पंत रानीला हरीश बेटी जी रानीला प्रमोद शर्मा जी दीपक शर्मा बीजेपी मंगली गिल जी एक्स सरपंच ऋषि साहू जी जिला पार्षद मोहित साहू जी। मैच के तुरंत बाद दर्शकगणों के लिए आने वाली 25 फरवरी से 5 मार्च तक वार्षिक सांग उत्सव शहीदों की याद में मनाया जा रहा है। सांगियों के नाम इस प्रकार से दिलबाग सिंह सुभाष पंसारी कुलदीप और समुन्दर। 25 फरवरी से 5 मार्च तक और फिर आएगा रेड कार्ड हरी और देखिए भाई टमाटर देखिए भाई विक्रम जोड़ानी की जितनी तारीफ उतनी कम है भाई बहुत गजब का साउंड लेकिन लोग की बहुत बढ़िया व्यवस्था और वो लाइट बिल्कुल जैसे ही जरूरत पड़ी एकदम से तैयार कर दिया है भाई। जो साहिल जोड़ानी की बात हो विक्रम जोड़ानी की बात हो बहुत बढ़िया आप
बिल्कुल एक सनसनी खेल भाई। आज इस खेल मेले में भाई तिल जीत लिया है, हजारों दर्शकों और भाई जीती सुती सिद्धिपुरिया ने, गजब का खेल भाई। और कृष्ण डीपी साहब कहे भाई मजा आ गया है। देखिए भाई अंत बड़ा तो सब बड़ा कमाल का मैच भाई, बिल्कुल जनता खुश है, हमारी कमेटी खुश है, डीपी साहब हमारी कमेटी के सबसे सीनियर साथी है, कह रहे मजा आ गया, ताली मार दो बहुत तरीके से। और मुश्किल बंसीलाल पार्टी में टिकट मांगा था, और जब राम में रैली हुई ना बोला दो गरीब बंसीलाल की मुंह में मच्छर पड़ गया, थू थू कर दिया गया काम ने कर दिया, मांगा था टिकट पार्टी से बाहर हो गया, तो शुरुआत बहुत खराब हो गया। लेकिन अंत बोला तो सब बोला, देखिए बहुत तगड़ा मैच है, तीन की रेड है और विक्की विक्की मोखड़ा अनुभवी खिलाड़ी के साथ, क्या बात है, देखिए भाई कैसा पॉइंट लिया, बहुत बढ़िया भाई, जैसी जरूरत पड़ी टीम को भाग लिया, जतीन सिद्धिपुरिया ने लगाई है भाई सफल रेड पॉइंट, सिद्धिपुर जिला दफ्तर को रवि 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 मोखड़ा की रेड है। खेल मेले में बहुत अच्छा सहयोग है लाइट साउंड सतीश का, हमारे भाई विक्रम के मन लगातार दो तीन सालों से ऐसे में देते शानदार कैच भाई, बिल्कुल रेफरी का फैसला कैच का रिव्यू मांग लो रिव्यू, हाँ रिव्यू का होगा डीपी साहब, एक और रिव्यू देखो भाई मैच चलता रहेगा मैच नहीं रुकेगा, चलिए भाई बोला भाई बहुत तगड़ा मैच भाई। विक्रम दुलानी ने इंद्रा साहू दुलानी नाम आ गया, खुद भी खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े मेलों में कई बार खेलता है, आज थोड़ा सा फिट है इसलिए टीम लेके नहीं पहुंचा, लेकिन सहयोग किया कमेटी का, देखिए भाई अच्छा प्रयास पॉइंट बोला करना जी को और फिर आ गया लगता है आशीष सागर। और भाई देखिए बहुत ही शानदार भाई चला भाई कबड्डी भारत भाई, बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले, आगे से बड़े बड़े खेल बड़े लाइव चलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, और भाई फाइव स्टार कबड्डी हरियाणा कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले करने के लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, फाइव स्टार कबड्डी हरियाणा बोला। बिल्कुल भाई कबड्डी की जितने भी वायरल रेड मैच होते हैं, जितने भी तगड़े मैच होते हैं, आप फाइव स्टार कबड्डी हरियाणा में रिकॉर्डिंग के बाद उनसे कभी भी देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। देखिए बहुत प्यारा जतिन सिद्धिपुरिया 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 ले मैडम का खुश हो बहुत तगड़ा रेड लगाया भाई, जतिन ने कमाल की रेड लगाई है भाई, आने वाले समय का बड़ा स्टार होगा भाई, बहुत तगड़ा पॉइंट ले गया है फिर रेड में राहुल और छोटा रोहित भाई चंद्रोली, बिल्कुल भाई कमाल कर दिया जतिन सिद्धिपुरिया ने। और देखिए भाई इस बार जीतू 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 राहुल की सफल रेड है भाई पॉइंट रेड के खत्ते में, और फिर चलिए मैं रेड में है बोला कर मैं आ गया मैं रेड पर दर्शक साथियों, क्योंकि जो टीम जीतेगी 31,000 या 11,000 ये जुगाड़ हो जाएगी भाई इस मैच में, जो टीम जीतेगी आप भव्यों को पुरस्कार इंतजार कर रहे हैं, तुरंत फाइनल होगा, जो टीम जीतेगी वो बाहर ना जाए, ये कमेटी रिक्वेस्ट है ताकि दर्शक भी दूर दूर से आए, सबको भर जाना है, बोला कनौरी बोला और साहिल मोखरा पॉइंट बोला कनौरी के खाते में, बिल्कुल अंतिम क्षणों में मैच है, बहुत तगड़ा मैच खेल दिया भाई, हाफ टाइम के बाद सिद्धिपुर ने अच्छी वापसी करी है, सिर्फ तीन कैच का अंतर है, अगर तीन कैच और सिद्धिपुर लगाती है तो इस मैच में वापसी हो सकती है, 22-28 का फिलहाल स्कोर है और अंदाजा 5-5 रन का कीजिए वो तरफ से 10 पॉइंट का मैच है, वहां से तीन कैच लगानी जरूरी है। और देखिए भाई शानदार 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 खेल, बिल्कुल बहुत तगड़ा डिसीजन और पॉइंट आशीष सांगवान के खाते में, मोहरा टीम को एक और पॉइंट, और फिर आ गया रहा जतिन जतिन सिद्धिपुर, देखिए भाई आप तक ऐसी जरूरत पड़ी टीम को, मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए अगर समय इस तरह खेल अच्छा लगे ताली मारते हो छोटे बच्चे के लिए, बिल्कुल याद कर लो मोहरा टीम को इस बच्चे ने बहुत तगड़ा मैच दिखाया है, आज जीत कोई मायने नहीं रखती लेकिन इस बेटे ने दिल जीता है आज रामीला की धरती पर हजारों दर्शकों का, और भाई
साहिल ने भी कमाल की कैच लगा दी है, बिल्कुल उड़ता पंच से पकड़ लिया है। शानदार कैच जतिन सिद्धिपुरिया को अंक मोखरा के खाते में। फिर एक है रवि मोखरा, हमारे खेल आयोजन को सफल बनाने के हमारे प्रमुख सहयोगी भाई लोकेंद्र फौजी और आदि बिंदौली को मेरे अजीज मित्र भाई सुमित फौजी 500-500 रुपए देकर सम्मानित करते हैं भाई। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सुमित फौजी भाई का और संदीप और पत्र का जिन्होंने भाई 1000 रुपए सम्मान सम्मान किया, भाई सुमित फौजी ने 500-500 रुपए सम्मान सम्मान दिया। और ले भाई एक बार फिर आगे शानदार पॉइंट रेफरी के खाते में। और भाई वो जो रिव्यू का पॉइंट देखा है वो सिद्धिपुर के खाते में चला गया पॉइंट, वो कैश थी जैसा रेफरी ने दिया सेम पॉइंट रहा। क्या है भाई अजय शिवा, अजय शिवा फिर रेड भाई सामने विक्की मोखरा भाई क्या बात है, मोहित मोहित मोखरा प्रयास करता हुआ अंक रेडर के खाते में। पिछली दो तीन टूर्नामेंट आशीष सांगवान ने मोखरा के लिए बहुत तगड़ी खेली है, चाहे बधानी सच की बात हो चाहे रामीला की बात हो, मैं बधानी में भी लगभग 900 रन लगाए थे आशीष सांगवान ने, आज फिर अपना रोल अदा कर दिया है। किस काम के लिए आशीष सांगवान को मोखरा टीम ली गई वो इस बच्चे ने पूरा करते हैं। काफी बात हो दूसरा सीजन है बिल्कुल नया खिलाड़ी है और हरियाणा पुलिस का कर्मचारी है हमारा भाई, बिल्कुल शानदार खेल इशारा भाई आशीष सांगवान। और जतिन फिर आ गया भाई इस बार फिर संजीत रूप बोलू सरपंच हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जय दादा गुसाई खेल कमेटी की तरफ से उनका यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और तीसरे प्राइज के लिए गद्दी खेड़ी की टीम तैयार है, इस मैच के तुरंत बाद उनको इनामी राशि से प्रोत्साहित किया जाएगा। मोखरा गद्दी खेड़ी की टीम से